अश्विनी कुमार जी हमारे बीच में है मंच पर, सभी मंचासीन नेतागण जो मैनिफेस्टो रिलीज का कार्यक्रम है हर प्रदेश के अंदर, आज पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रखा है। मैं आप सभी का भी और आदरणीय अश्विनी कुमार जी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस मुख्यालय पर उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि ये मुख्यतः मैनिफेस्टो को लेकर के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कार्यक्रम है, और कितना महत्वपूर्ण ये मैनिफेस्टो है देश के लिए, हरियाणा के लिए, हर वर्ग के लिए, उसके बारे में AICC के लेवल पर कुछ बातें रखी गई और विस्तार से रखने के लिए आज का ये कार्यक्रम है। करीबन एक साल पूरे हिंदुस्तान में फीडबैक लेने के बाद ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। ये वाकई में जनता की आवाज़ को रिफ्लेक्ट करने वाला मैनिफेस्टो है। तो सीधा बिना किसी औपचारिकता के मैं आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभी साथियों से चर्चा करें और आगे की बात करें। धन्यवाद। आज मुख्य तौर पर मैं कांग्रेस पार्टी के 2019 लोकसभा चुनावों के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार किया गया है उसके बारे में आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। यूं तो हर चुनाव के लिए घोषणा पत्र का महत्व होता है, क्योंकि घोषणा पत्र के माध्यम से ही पॉलिटिकल पार्टियां लोगों के सामने अपना प्रोग्राम रखती हैं और उस प्रोग्राम के आधार पर उनसे उनके मत का के लिए प्रार्थना करती हैं। पर ये चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ऐतिहासिक चुनाव है, क्योंकि ये देश के लोकतंत्र को दिशा देने वाले चुनाव हैं। आज इन चुनाव के माध्यम से अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जो विचार इस घोषणा पत्र में निहित हैं उनके माध्यम से देश की सबसे पुरानी पार्टी एक बार फिर देश की जनता को आह्वान कर रही है कि आओ मिलकर दोबारा उस भारत की नींव को मजबूत करें जिस भारत की कल्पना देश के निर्माताओं ने, संविधान के निर्माताओं ने की थी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस मैनिफेस्टो का, इस घोषणा पत्र का दिल कहाँ है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस घोषणा पत्र के 6वें, 7वें और 8वें सफ़े को देखिए। 6वें, 7वें और 8वें सफ़े पर जिन मूलभूत आधारों का जिक्र हुआ है वो इस घोषणा पत्र की आत्मा है। तो एक बार मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अगर हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो 6, 7 और 8वां पेज देखें और इसमें जो निहित विचार है एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि आप उसको देखें, क्योंकि इस पर मैंने चर्चा आपसे जरूर करनी है। चुनाव किस चीज का फैसला करेंगे, स्वतंत्रता या भय, सद्भाव या घृणा, समावेश या बहिष्करण, भाईचारा या भेदभाव, गरिमा या उत्पीड़न, परिणाम या जुमला, सबका विकास या चंद लोगों की दौलत, और न्याय या अन्याय। कोई भी लोकतंत्र, किसी तरह का समाज जो अपने आप को सभ्य समाज कहता है, वो इन सवालों का उत्तर दिए बगैर
ना तो लोकतांत्रिक बनता है, ना सभ्य बनता है, ना समावेशी बनता है। ये लड़ाई फिजूल के मुद्दों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उन कोर मुद्दों की है, उन असल मुद्दों की है जो हमारे देश को परिभाषित करता है, जो हमारी मिली जुली संस्कृति को परिभाषित करता है, जो हमारी देश की जो मूल मर्यादाएं हैं उनको परिभाषित करता है ये चुनाव। इसलिए मैं कहूँगा कि सफा नंबर पेज नंबर 6 पर जो बिंदु है इस पर मैं जोर देना चाहता हूँ। बाकी जो बातें हमने कही, हमने न्याय की बात कही, 72,000 रुपये, 12,000 रुपये महीना और 360,000 रुपये साल, हम उन 5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को सुनिश्चित करेंगे जो हर तरह से वंचित हैं। ये घोषणा पत्र सम्मान और आत्म सम्मान को परिभाषित करता है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं, जब हम बुजुर्गों की बात करते हैं, जब हम सेहत स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, तो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन लोगों के सशक्तिकरण की बात करते हैं जो अभी तक देश की इकोनॉमिक व्यवस्था से, उसके लाभों से वंचित रहे। तो अगर अंग्रेजी में मैं कहूँ तो ये डिग्निटेरियन और लिबर्टेरियन राष्ट्र को परिभाषित करता है हमारा ये जो घोषणा पत्र। सो लड़ाई किसकी है? लड़ाई भाजपा के साथ इसलिए है कि देश की मूल आस्थाओं पर जो प्रहार हुआ, जो हमारी मिली जुली विरासत पर प्रहार हुआ, जो लोगों के आत्म सम्मान पर प्रहार हुआ, जिस तरह का उत्पीड़न और यातनाएं लोगों को सहनी पड़ी, फ्री स्पीच पर, बोलने के अधिकार पर जो प्रहार हुआ, उसको उससे लड़ना है। और भाजपा का हर हमारे सवाल का एक जवाब, देश की सुरक्षा। अरे इतने साल क्या देश को सुरक्षित नहीं रखा सरकारों ने? क्या देश को सुरक्षा तभी मिलेगी अगर हर मानव अधिकार को दमन किया जाए, उसको दबाया जाए? क्या फ्रीडम और नेशनलिज्म आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूजन है? क्या एक राष्ट्र, एक सभ्य समाज लोगों के मानव अधिकारों को कायम रखते हुए नहीं बनाया जा सकता? इन इंग्लिश आई वुड से द चॉइस इज बिटवीन द टेम्पटेशंस ऑफ अ मस्कुलर स्टेट एंड द इंपेरेटिव्स ऑफ अ लिबर्टेरियन एंड डिग्निटेरियन डेमोक्रेसी। दिस इज क्रिटिकल। देखिए, मैं बार बार आपकी अनुमति से मैं जोर दे के इन बातों का वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि असल लड़ाई इनकी है। देश के मूल स्वरूप को बचाने की लड़ाई आज कांग्रेस पार्टी लड़ रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र आज लोकतांत्रिक दौर में चुनाव लड़ रहा है, ये जरूरी है कि हम लोगों तक अपनी भावना, अपने विचारों को पहुंचाएं और ये कहें कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। अगर देश की आत्मा को, भारत के समाज की मूल धारणाओं को स्थापित रखना है, तो भाजपा को इस चुनाव में शिकस्त देना अनिवार्य है, कर्तव्य है। सो वी वॉन्ट टू रीच एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आस्किंग देम टू चूज between inclusion and exclusion, between secularism and communalism, between justice and injustice, between inequality and equality, between liberalism and intolerance, between tolerance and intolerance. This is what has always defined the Indian nation. This is what has defined us. Elections happen, parties win, parties lose. But the time has come to ensure that our nation wins. India must win. If India wins, everybody will win. Congress is the only party that passionately believes in the idea of India. And what is that idea of India? Aaj 70 saal ke baad, humko idea of India ki baat karne ki zaroorat kyun pad rahi hai?
ये चीजें एज्यूम थी, आज ये अजम्पशंस नहीं रह गए, क्योंकि हमने 5 साल में देखा कि हर बेसिक अवधारणा पर जो प्रहार किए गए हैं उससे देश की आत्मा खंडित हुई, देश की आत्मा पर ऐसा घाव पहुंचा है, उस घाव पर मलहम लगाने की आज जरूरत है। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस दिस इलेक्शन टू एन इनैनिटी, दैट इज व्हाई वी हैव टॉक्ड अबाउट चेंजिंग द लॉज, वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्टेन फंडामेंटल चेंजेस। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।